अपनी बोल्ड अदाओं से हर किसी को दीवाना बना लिया था। 70 और 80 की दशक की एक ऐसी मशहूर अदाकारा जिनके नाम से ही उनका काम चलता था। जी हाँ, नाम है परवीन बाबी। भले ही साल 2005 में उन्होंने दुनिया छोड़ दी हो, लेकिन परवीन बॉबी के आज भी कई ऐसे चाहने वाले हैं जो उनके गानों को, उनकी फिल्मों को आज भी देखना पसंद करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। आज के इस प्रोग्राम में एक नजर डालेंगे परवीन बॉबी की जिंदगी के ऊपर। कई ऐसे राज हम आपको आज के इस प्रोग्राम में बताने वाले हैं जो कि कई लोगों को नहीं पता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने माता पिता की शादी के बाद 14 साल के बाद परवीन बॉबी का जन्म हुआ था और अपने कॉलेज में एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी कि बैठे बैठे ही उनका सिलेक्शन एक फिल्म के लिए हो गया। फिल्मों में आने की इनकी कहानी जहां रोमांच भरती है, तो वहीं फिल्मों से जाने की कहानी भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। फिल्मों में एंट्री हुई एकदम जैसे मानो देखते ही एक डायरेक्टर ने इन्हें पसंद कर लिया, तो फिल्मों से एग्जिट भी उनका कुछ इसी तरीके से हुआ। कई विवादों में घिरी, शादी नहीं करी लेकिन अफेयर रहे। चलिए आज इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। 70 से 80 के दशक में जिन्होंने अपनी बोल्ड अदाओं का दीवाना सबको बना लिया, जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि परवीन बाबी है। 70 से 80 के दशक में परवीन बाबी की पहचान एक ऐसी बोल्ड और बिंदास हीरोइन के रूप में निखर कर सामने आई जिनकी खूबसूरती के तो चर्चे हुए ही, साथ ही साथ उनकी बोल्डनेस के भी चर्चे हुए। वो दौर ही ऐसा था जब परवीन बॉबी का नाम चला करता था, हर कोई इनके हुनर का कायल हो गया था। उस समय हर स्टार इनके साथ काम करना चाहता था। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में परवीन बॉबी की जिंदगी से जुड़े उस राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिनके बारे में काफी कम लोगों को ही जानकारी है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के साथ जहां परवीन बॉबी की जोड़ी को पसंद किया जाता था, इन दोनों ने एक साथ न जाने कितनी ही सुपर डुपर फिल्में दी है, तो वहीं इनके पर्सनल लाइफ में भी इनके रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के ऊपर कुछ ऐसे इल्जाम लगा दिए जो कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए उस टाइम काफी ज्यादा शॉकिंग था। आपको बताना चाहेंगे आज की इस रिपोर्ट में कि कैसे परवीन का करियर आगे बढ़ा और कैसे वो एक ग्लैमरस हीरोइन की लिस्ट में शामिल हुई। बता दें आप लोगों को कि 1976 का वो टाइम था जब एक मैगजीन के कवर पेज पर परवीन को जगह मिली, और मानिए इस मैगजीन के कवर पेज ने पूरी तरीके से परवीन की जिंदगी बदल दी। कहा जाता है कि परवीन बॉबी की खूबसूरती का अंदाजा तो इस बात से ही लगाया जा सकता है जब 1976 में टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर उन्हें जगह दी थी। परवीन जो कि अपने माता पिता की शादी के बाद 14 साल के बाद पैदा हुई थी, जी हाँ, जब वो अपने मॉडलिंग की करियर की शुरुआत कर रही थी और उसके लिए वो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, तब इसी दौरान प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक बीआर इशारा की नजर उन पर पड़ गई। कहा ये जाता है कि उस वक्त परवीन बॉबी ने एक मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और हाथ में उनके सिगरेट थी। इशारा उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय परवीन बॉबी के साथ फिल्म साइन कर ली। परवीन ने अपने करियर की शुरुआत 1973 में क्रिकेटर सलीम दुरानी के अपोजिट फिल्म चरित्र से की। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ मजबूर थी।
बताना चाहेंगे आपको कि अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कई फिल्में की और कई फिल्में सुपरहिट रही। 1975 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दीवार में सुपरस्टार अमिताभ के साथ परवीन की जोड़ी हिट मानी गई। 1977 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी अमर अकबर एंथनी में एक बार फिर परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और एक बार फिर से इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट रही। इस बीच उन्होंने काला पत्थर और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में शशि कपूर के साथ लीड रोल में काम किया। 1981 में परवीन बॉबी ने कालिया क्रांति और आहिस्ता आहिस्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक्टिंग की थी। अब आपको बताते हैं परवीन बॉबी की जिंदगी से जुड़े कई विवाद। परवीन ने भले ही शादी नहीं की थी लेकिन उनके कई विवाहित पुरुषों से संबंध जरूर रहे थे। जी हाँ, उस समय कई ऐसे खबरें आई थी कि परवीन बॉबी के रिश्ते महेश भट्ट, कबीर बेदी और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन के साथ भी उनका रिलेशन रह चुका था। जी हाँ, कई ऐसी खबरें उस समय सुर्खियों में आ गई थी कि परवीन बॉबी का संबंध अमिताभ बच्चन के साथ भी है। लेकिन आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि परवीन बॉबी ने जब अमिताभ बच्चन के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए, जी हाँ आपको बता दें यहाँ पर कि परवीन बॉबी ने अपनी जिंदगी में अमिताभ बच्चन के ऊपर ऐसे आरोप लगाए थे कि वो उन्हें मारना चाहते हैं। और ये बात इसीलिए क्योंकि तब परवीन बॉबी एक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। परवीन बॉबी ने आध्यात्म से जुड़ने के चक्कर में फिल्मों को अलविदा कह दिया और वो अमेरिका चली गई जब उनका करियर चरम पर था। लेकिन ना जाने क्यों उनका मन फिल्मों से ऊब गया। फिल्में छोड़कर कई सालों तक वो गुमनाम जिंदगी व्यतीत करती रहीं और फिर एक दिन वो ऐसी हालत में मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। परवीन काफी ज्यादा बदल चुकी थी, उनका वजन काफी बढ़ गया था, अजीबो अजीब हरकतें वो करने लग गई थी। और इसी दौरान चेकअप के वक्त पता चला कि परवीन को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान को वो सब असल में होता हुआ दिखने लगता है जो कि कहीं से भी सच नहीं होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसे ही इसी सब के चक्कर में परवीन ने, इसी बीमारी की वजह से परवीन ने अमिताभ बच्चन में उन्हें अपने दुश्मन नजर आने लगे थे। अमिताभ पर परवीन ने उन्हें मारने का इल्जाम भी लगाया था। 1989 में एक इंटरव्यू दिया था मैगजीन के लिए परवीन ने, उसमें ये कहा था कि अमिताभ बच्चन अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है, वो मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं, मुझे गुंडों ने किडनैप कर लिया और मुझे एक आइलैंड पर रख दिया गया। वहां अमिताभ बच्चन के गुंडों ने मेरी सर्जरी की और मेरे कान के नीचे एक चिप और ट्रांस मीटर जैसा कुछ लगा दिया। इतना ही नहीं, परवीन बॉबी अमिताभ बच्चन को लेकर ये तक कह गई कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने मुझ पर झूमर गिराने का प्रयास किया। फिल्म का नाम था शान, जिसके लिए एक गाने की शूटिंग की जानी थी। इसी दौरान अचानक परवीन चिल्लाने लग गई और उसी समय इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था। बता दें आप लोगों को कि ये सब इसीलिए क्योंकि परवीन उस समय एक मानसिक बीमारी से ग्रसित थी। परवीन बॉबी को जीवन में अकेलेपन और निराशा ने उन्हें खोखला कर दिया था अंदर से और वो काफ़ी ज़्यादा अकेले रहने लगी थी। कहा जाता है कि इसी अकेलेपन की वजह से उनकी जान गई, वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर रहने लगी थी। जब वो अमेरिका से दोबारा भारत वापस आई तो एक दिन, साल 2005 की बात है, उनकी फ्लैट में उनकी डेड बॉडी पाई गई। 22 जनवरी का दिन था वो, 22 जनवरी 2005, जब उनके फ्लैट से उनकी डेड बॉडी मिली। आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि उनका निधन तो 20 जनवरी को ही हो गया था लेकिन उनके साथ कोई नहीं था, अकेलेपन से वो थी, जिस वजह से लोगों को इस बात का पता 2 दिन के बाद चला।
शादी भले ही ना की हो, लेकिन अपनी जिंदगी में नाम कईयों के साथ जुड़ा परवीन बॉबी का। और अंतिम दिनों में कहते हैं कि परवीन की हालत इतनी ज्यादा नाजुक हो गई थी, इतनी ज्यादा वो अकेली हो गई थी, कई बीमारियों से वो ग्रसित हो गई थी। और एक दिन साल 2005 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ दी अपनी पूरी कहानी। परवीन बॉबी, जिनके नाम से आज भी लोग उन्हें जानते हैं, उनका एक गाना सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। बता दें आप लोगों को कि उनका निधन तो 2 दिन पहले ही हो गया था, लेकिन कमरे में 2 दिन तक वो पड़ी रही और 2 दिन के बाद उन्हें उस कमरे से, उनके फ्लैट से निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं परवीन बॉबी की जिंदगी काफी ज्यादा दर्दनाक रही है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज को।